राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने केबल कारोबार की बहाली और नशे की गर्त में फंसे युवाओं को फिर से मुख्य धारा में लाने की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब में नशा न सिर्फ एक बड़ा मुद्दा है बल्कि एक बड़ी समस्या है। कैप्टन सरकार पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए अग्रसर दिखाई दे रही है। उन्होंने सत्ता में आते ही अपने इरादे साफ कर दिए तो पंजाब में फैलते नशे पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने चिंता जताई है। डॉक्टर चंद्रा मानते हैं कि सरकार को नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। नेचुरली ड्रग्स की बड़ी बहुत भारी समस्या, तो मुझे यहाँ तक बताया गया कि जो सरकार के बहुत पैसे लग के ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खुले, वहां पे भी लोगों को जाने नहीं दिया गया। केवल इसलिए नहीं जाने दिया गया कि अगर वहां लोग ज्यादा जाएंगे तो वहां पे नफरी ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी तो सरकार की बदनामी हो। सरकार खास करके ड्रग रिहैबिलिटेशन के ऊपर बहुत वार फ्रंट पे काम करना चाहिए। पंजाब में पिछली सरकार के दौरान प्रेस की आजादी पर मानो पाबंदी सी लग गई थी। केबल नेटवर्क पर एक परिवार का दबदबा होने के चलते पंजाब की आवाम लोकतंत्र की सही तस्वीर नहीं देख पाती थी। आपके अपने पसंदीदा चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की भी आवाज बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को मिले लोगों के प्यार ने ऐसा होने नहीं दिया। अब सूबे की सत्ता बदल गई है, मुख्यमंत्री बदल गया है, नए मुख्यमंत्री ने प्रेस की आजादी के संकेत दिए हैं। पहली कैबिनेट पर इसको लेकर मंथन भी हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भी नई सरकार से उम्मीद है कि पंजाब में केबल कारोबार फिर से शुरू होगा। माफिया वगैरह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये सिंपल ये कहता हूँ कि जैसे इस पंजाब में केबल का नेटवर्क जो था वाज कंट्रोल्ड बाय सिटी नेटवर्क, वो उन्होंने सरकार आई उन्होंने छीन लिया। हमने डिमांड की है सरकार से कि हमारा बिजनेस हमें वापस दिलवाया जाए, तो आई होप द गवर्नमेंट एक्ट्स अगेंस्ट दिस स्नैचिंग व्हिच हैड हैपेंड। स्नैचिंग टू मेनी इन मेनी थिंग्स हैज हैपेंड, तो दे हैव टू गेट डाउन टू वर्किंग। प्रेस की आजादी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। अगर लोगों को अपनी सरकार के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी, उनके सामने सच्चाई और निष्पक्षता से खबरों को नहीं रखा जाएगा, तो इससे लोकतंत्र का महत्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी बेहद जरूरी है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर।